हमारे चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आपकी राशि के मंत्र के बारे में बताएंगे, जिसे प्रातःकाल जपने से राशि काफ़ी मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन यह बात बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन को गुजारते हैं। अगर इसमें से हम 10% यानी 24 मिनट उसको लौटा दें, ईश्वर को लौटा दें, तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा बन सकता है, खुशनुमा हमारी ज़िंदगी रह सकती है। तो बात करते हैं दोस्तों राशि मंत्र की। यहाँ पर मैं आपको तांत्रिक मंत्र के बारे में बताऊँगा। मंत्र वैदिक भी होता है, पौराणिक भी होता है। वैदिक मंत्र बहुत लंबा होता है, पौराणिक मंत्र शॉर्ट होता है। और कलयुग में जो तांत्रिक मंत्र है, इसका काफ़ी प्रभाव है, ज़्यादा प्रभाव है, इसका ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल, और मंगल का जो मंत्र है वह है ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में आप प्रतिदिन करिए। वह निश्चित संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे 8 है, 18 है, 28 है, और 54 है, 108 है। एक निश्चित संख्या में आप जपते रह सकते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और जो शुक्र का तांत्रिक मंत्र है वो है ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इसका भी मित्रों प्रातःकाल एक निश्चित संख्या में जाप करते रहिए। तीसरी जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध का जो मंत्र है वह है ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः। इसका भी एक निश्चित संख्या में प्रातःकाल जाप करते रहना चाहिए। चौथी राशि जो है वह है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा मन का स्वामी होता है। इस राशि वालों को तो हमेशा इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जो चंद्रमा का मंत्र है वो है ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः। दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य होते हैं। वैसे तो हमें प्रातःकाल सूर्य को जल देना चाहिए, किंतु अगर हम इसका तांत्रिक मंत्र जपें तो वह है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इसका भी प्रातःकाल हमें एक निश्चित संख्या में जाप करते रहना चाहिए। और छठी राशि कन्या राशि होती है। कन्या राशि का स्वामी बुध, और बुध का जो मंत्र है तांत्रिक मंत्र वो है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सः बुधाय नमः। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। तो हमें प्रातःकाल शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए, और शुक्रदेव का जो मंत्र है वो है ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। आठवीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, और मंगल का जो मंत्र है वो है ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। नौवीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और जो बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र है वो है ओम क्रां क्रीं क्रौं सः गुरुवे नमः। दसवीं राशि मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी हैं वह हैं शनिदेव, शनि महाराज। तो हमें शनिदेव के जो मंत्र हैं तांत्रिक मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सः सनेश्वराय नमः, इस मंत्र का प्रातःकाल जाप करना चाहिए। इसके अलावा अगली राशि कुंभ राशि। इसके भी जो स्वामी हैं वह भी शनि महाराज हैं। तो हमें प्रातःकाल इसी मंत्र का ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सः सनेश्वराय नमः का प्रातःकाल एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। बारहवीं और अंतिम राशि मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति का जो मंत्र है वह है ओम क्रां ग्रीं क्रौं सः गुरुवे नमः।
तो दोस्तों जो ये राशियों के जो मंत्र हैं इनको आप एक निश्चित संख्या में जपिए, भले आप प्रतिदिन 8 ही संख्या में जपिए, उठने के बाद आप 8 की संख्या में जपिए, 16 जपिए, 18 जपिए, 28 जपिए, या 54 जपिए, या समय अनुसार 108 बार जपिए, लेकिन संख्या नहीं बदलनी चाहिए। संख्या 8 है तो 8 होनी चाहिए, रहे 8 ही रहनी चाहिए, और 28 है तो 28 ही रहनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए। इसके अलावा अच्छा लगने पे शेयर जरूर करिए, और एक बात हम आपको बार बार बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये एकदम से मुफ्त है, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और इस पे एक नंबर दिया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को कोई विशेष जानकारी चाहिए, किसी समस्या का हल चाहिए, तो वह हमें कॉल कर सकता है, और जिसका एक न्यूनतम पारिश्रमिक है जो देय होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।